अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोट कलर ऑफ़ रैबिट्स वन ऑफ़ द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं एक जीन की दो से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म्स लेकिन एक इंडिविजुअल में दो ही फॉर्म्स होती हैं ठीक है ये पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है कि एक जीन की दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं ये जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन है अब जो रैबिट है ना उनमें कोट कलर चार तरह का होता है यानी ये फोर टाइप्स की फिनो शो करते हैं इसमें वॉय टाइप है चिंचिला है हिमालयन है और एल्बिनो है फर्स्ट वन अब हमारे पास है फुल कलर जिसे हम क्या कह रहे हैं अगूटी इसमें क्या होता है ब्राउन फर होती है इसके अलावा येलो बैंड होता है और ब्लैक और ब्राउन टिप होती है इसके लिए जो जीन्स हैं जो फिनो टाइप है वो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट की जाती है या फिर सी प्लस प्लस के साइन से सेकेंड वन है चिंचिला चिंचिला में क्या होता है येलो पिगमेंट्स नहीं होता और ऑप्टिकल इफेक्ट होता है ग्रे और सिल्वर हेयर्स का ब्लैक हेयर्स का ठीक है जिसकी वजह से सिल्वरी ग्रे अपेयरेंस इसकी हो जाती है इसके लिए जो जीन्स होती हैं वो स्मॉल सी सी एच यानी चिंचिला के लिए हम सी एच वर्ड यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ब्लैक और ग्रे हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से सिल्वरी ग्रे इसकी अपेयरेंस होती है हिमालयन हिमालयन में क्या होता है कोट वाइट होता है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोट कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है जैसे कि नोज़ है ईयर है फीट एंड टेल इसकी आइज पिक होती है यानी डिफरेंट कलर्स की होती हैं और इसके लिए जीन हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एच से जो चिंचिला था उसमें सी सी एच था लेकिन जो हिमालयन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एच से एल्बिनो एल्बिनो जो है ना ये कम्प्लीटली रिसेसिव ट्रेट होती है और इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होती इसकी आईज़ जो है पिंक होती हैं क्योंकि उनमें भी पिगमेंट जो है वो मौजूद नहीं होता इसके लिए जो हम जीन शो करते हैं वो स्मॉल सी है जो कि ये भी रिप्रेजेंट करती है कि ये जो है रिसेसिव ट्रेट हैं अब हमारे पास डिफरेंट क्रॉसेस हैं कि हमारे पास जीनो टाइप कौन सी आएगी अगर हम अगूटी और एल्बिनो का क्रॉस कराएंगे यानी जो एक हमारे पास डोमिनेंट है फुल ब्राउन कलर फ़िनो टाइप है उसका हम क्रॉस कराते हैं फुल वाइट कलर फिनो टाइप से तो हमारे पास तीन अगूटी बनेगी और एक एल्बिनो जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि जो अगूटी है वो डोमिनेंट जीन है ठीक है और एल्बिनो जो है वो रिसेसिव जीन है थ्री इंटू वन की रेशो ये इंडिकेट करती है सेकेंड क्रॉस में अगर हम जाएँ अगूटी और चिंचिला का क्रॉस करवाएँ तो उसमें भी हमारे पास तीन अगूटी आएंगे रैबिट्स और एक चिंचिला जो अगेन इंडिकेट करता है कि अगूटी ही डोमिनेट जीन है फिर अगूटी और हिमालयन का क्रॉस कराएं तो हमारे पास सेम रिजल्ट आते हैं लेकिन अगर हम चिंचिला और हिमालयन का क्रॉस कराएँ तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स शो होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है इसमें हमारे पास एक चिंचिला बनता है एक हिमालयन बनता है जबकि दो लाइट ग्रे कलर के रैबिट्स बनते हैं अब ये जो लाइट ग्रे कलर के रैबिट्स हैं ना चिंचिला और हिमालय के क्रॉस से वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है जबकि इससे पहले जो तीनों हमने क्रॉस करवाए तीनों में कंप्लीट डोमिनेंस थी जिसमें अंगूठी जो था वो डोमिनेट कर रहा था ऑन द अदर्स अब हमारे पास चार तरह की ही फिनो टाइप हैं कोट कलर ऑफ रैबिट में और चार ही तरह की जीनो हैं फुल कलर अगूटी जिसमें हमारे पास सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी एच यानी चिंचला के साथ हमने क्रॉस करा कराया था तब भी अगूठी ही बना था सी प्लस सी एच ये हिमालयन के साथ क्रॉस कराया था तब भी अगूठी ही बना और सी प्लस सी एलबीनो के साथ क्रॉस में भी हमारे पास हाइड्रोजाइगस अगूठी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए थे चिंचला सी सी एच सी एच लाइट ग्रे सी सी एच सी एच जो कि हमने चिंचला और हिमालयन का क्रॉस कराया इसके अलावा अगर चिंचला और एल्बीनो का क्रॉस कराया जाए तो भी लाइट ग्रे कलर ही आएगा हिमालयन सी एच सी एच सी एच सी और एल्बिनो सी सी अब हमारे पास चार जो हैं वो मेजर फिनोटाइप्स हैं लेकिन लाइट ग्रे कलर की फिनोटाइप जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से है ठीक है और ये तब होगी जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रॉस करवाएंगे स्पेसिफिकली चिंचिला और हिमालयन में या हिमालयन और एल्बिनो में तो हमारे पास लाइट ग्रे आएगी अदरवाइज़ ये लाइट ग्रे स्पीशीज़ जो है ये नहीं होती नॉर्मली